नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो प्राचीन काल से स्मरण शक्ति बढ़ाने और आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। हाँ जी, ब्राह्म्य। ब्राह्म्य एक ऐसी औषधि है जो कि प्राचीन काल से ही आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली एक विशेष औषधि है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पौधे को देख लीजिए। ये देखिए ब्राह्मी। ब्राह्मी अधिकतर तालाबों नहरों के आसपास पाई जाने वाली औषधि है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसके पत्ते हैं, ये और ये देखिए, ये इसके पत्ते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही, ये देखिए, ये तालाबों नहरों के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी अधिकतर। ये देखिए, ये इसके पत्ते हैं ब्राह्मी। ये एक आरोही क्रम वाली बेल है, मतलब एक ही बीज पे ये बढ़ती चली जाती है। फिर ये देखिए, ये ब्राह्मी है जो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके इसके बड़े बड़े पत्ते भी हो जाते हैं काफ़ी, ये इस टाइप के इसके पत्ते होते हैं। ये मेमोरी पावर को बढ़ाने में और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक होती है। यह शंख पुष्पी के साथ ही प्रयोग की जाती है, शंख पुष्पी के बिना भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी दवाइयां हैं। मैंने शंख पुष्पी के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं, शंख पुष्पी किसे कहते हैं। और ये भी जो आपकी ब्राह्मी, ब्राह्मी भी आपको लगभग मार्च अप्रैल के आसपास ही आपको देखने को मिलती है। ये आपको नहर तालाबों के आसपास आपको देखने में मिल जाएगी, देख लीजिए ब्राह्मी। स्मरण शक्ति बढ़ाने में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अगर हम बात करते हैं स्मरण शक्ति की, तो 100 ग्राम ब्राह्मी और 100 ग्राम बादाम गिरी और उसमें 50 ग्राम मतलब 25 ग्राम काली मिर्च, तीनों को एक साथ पानी में पीसें और उसकी 3-3 ग्राम की गोली बनाएं और एक सुबह और एक शाम दूध के साथ खाने से यह स्मरण शक्ति बहुत ही तेज कर देती है। दूसरा, इसका ब्राह्मी का ताज़ा रस लें, उसे उसके समान भाग देसी घी, गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर भैंस का घी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समान भाग में लें और उसमें उसे सिद्ध करें, यानी कि उसमें समान भाग दोनों भागों को मिलाएँ और उसे पकाएँ। जब घी मात्र रह जाए तो उसे उतार कर रखें और रोज़ पाँच ग्राम उसका सेवन करें, 5 ग्राम घी का सेवन करें। जिससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही तेज हो जाएगी। ब्राह्मी पंचांग, यानी कि इसके पुष्प डंडी और इसकी जड़, पंचांग होता है पांचों चीज़ इसकी, पुष्प डंडी जड़ बीज इसके सभी को लेकर और उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाएं, पाउडर बना के उसे रख लें और दूध के साथ उसका सेवन करें। यह स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर पुराने से पुराना सिरदर्द है तो सिरदर्द के लिए 3 ग्राम ब्राह्मी में 5 नग काली मिर्च को जल के साथ घोटें और उसे छानकर दिन में 3-4 बार लें, पुराने से पुराना सिरदर्द ठीक हो जाएगा। ब्राह्मी के रस को शहद में मिलाकर यदि 3 ग्राम सुबह लें तो मानसिक रोग, जितने भी मानसिक रोग हैं जैसे सिरदर्द है, तनाव है, थकान है और भी मानसिक रोग जो भी हैं वो सब उससे ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को निंद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती है, तो भी यह बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध होती है। नींद न आने में ब्राह्मी की 3 ग्राम चूर्ण को गाय के 1/2 लीटर कच्चे दूध में घोटें, फिर उसे छान लें, छानकर उसका सेवन करें। पुराने से पुराना 1 सप्ताह तक सेवन करना है इसका, पुराने से पुराना सिरदर्द, यानी कि पुराने से पुराना सिरदर्द भी और निंद्रा न आने वाला रोग भी दूर हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी देसी दवाई होती हैं उन्हें सुबह आप फ्रेश होने के तुरंत बाद लें और उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही कुछ खाएँ।
ये ब्राह्मी जो है केस मतलब बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ब्राह्मी के पंचांग चूर्ण की 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को नियमित रूप से पानी के साथ लेने से कुछ ही हफ्तों में बालों का सफ़ेद होना, असमय झड़ना ये भी दूर हो जाता है और नाक के रोग में भी यह बहुत अधिक लाभदायक होती है ब्राह्मी। ब्राह्मी और काली मिर्च और कुलथी के बीजों का काढ़ा बनाकर अगर आप सुबह लेते हैं तो आपके नाक के रोग भी इससे दूर हो जाते हैं। और यही नहीं, आपको अगर हकलाने वाले बच्चे या तोतले बच्चों को भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। ब्राह्मी के 100 ग्राम ब्राह्मी, 100 ग्राम मुनक्खा तथा 50 ग्राम शंखपुष्पी। शंखपुष्पी मैंने आपको बताया मेरी पिछली वीडियो में, आप शंखपुष्पी देख भी सकते हैं क्या कैसी होती है। 50 ग्राम शंखपुष्पी, इन तीनों को निकाल कर, इन तीनों का अर्क निकालें और इसका प्रयोग से शरीर स्वस्थ और आवाज़ साफ़ हो जाएगी। तीनों का प्रयोग मैं आपको फिर बता देता हूँ, हकलाने के लिए 100 ग्राम ब्राह्मी, 100 ग्राम मुनक्खा तथा 50 ग्राम शंखपुष्पी को लें और 1 लीटर पानी में इसका अर्क निकालें और इसका प्रयोग करें, आवाज़ साफ़ हो जाएगी आपकी और हकलाना तुतलाना भी दूर हो जाएगा। यह मूत्र में होने वाली जलन और दर्द को भी दूर करता है। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको अगर दर्द है यानी कि पेशाब आपका लग के आ रहा है या जलन हो रही है तो उसे भी ये दूर करती है ब्राह्मी। उसके लिए आपको क्या करना है, ब्राह्मी की 2 चम्मच रस में 1 चम्मच मिश्री मिलाकर सेवन करें, सुबह सेवन करना है खाली पेट आपको, है ना। सुबह सेवन करेंगे तो यह जो है मूत्र विकार में भी लाभदायक होती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ में लगी बाजू वाली बेल को बजाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ब्राह्मी को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, बिल्कुल आप इसे ध्यान से देख के आप इसे ले लें।